तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गौडसे समर्थकों ने मुझे कराया गिरफ्तार, जिग्नेश मेवानी का बड़ा बयान और भाजपा पर बरसे जिग्नेश मेवानी। दोनों ने कहा कि पीएम मोदी कहें गौडसे मुर्दाबाद और अडानी पोर्ट पर करोड़ों की ड्रग पाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने और फिर एक महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार हुए जिग्नेश मेवानी ने जेल से बाहर आने के बाद भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। तो गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि धर्म संसद में नरसिंहार और आह्वान पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसके अलावा अडानी मुद्रा एयरपोर्ट में करोड़ों की ड्रग पाई गई, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेवानी ने भाजपा का विरोध करते हुए गुजरात बंद करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पीएमओ में बैठे गौडसे से सहानुभूति रखने वाले लोग मेरे खिलाफ एक ट्वीट के चलते 2 FIR करा दी, लेकिन देश में और भी गंभीर मामले हैं, इनसे उनकी मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज किए जाने से पहले ही फ्लाइट के टिकट बुक कराए जा सके थे, ताकि मेरे विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचा जा सके। मेवानी ने कहा कि 19 अप्रैल को मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और असम की पुलिस 2500 किलोमीटर तक का सफर तय करके एक रात में ही पहुंच गई। कहा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी को नाथूराम गौडसे का समर्थन करने वाला बयान बताया था। उन्होंने कहा कि ऊना और बडगाम में प्रदर्शन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ जो केस दर्ज किए थे उन्हें वापस लिए जाना चाहिए। तो मेवानी ने कहा इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो एक बार फिर 1 जून को गुजरात की कांग्रेस यूनिट आंदोलन करेगी। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जिग्नेश मेवानी ने। गौडसे के अनुयायी वो है, उनके सारे आइडियोलॉग्स रहे हुए, बीजेपी आरएसएस गौडसे में मानता है, गौडसे की पूजा करता है और गौडसे जिंदाबाद ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाता है। और मोदी साहब यदि गौडसे में नहीं मानता और यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो लाल किले की प्राचीर से एक बार गौडसे मुर्दाबाद कह दे, या आज उनके सारे प्रवक्ताओं को इंस्ट्रक्शन दे दे कि आज इस देश में जिस मुद्दे पर भाजपा का प्रवक्ता न्यूज चैनल्स की डिबेट में जाए वहाँ एक बार गौडसे मुर्दाबाद बोले देगा। कर दीजिए नेत्रा, 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया जाता है, उसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। आपने क्या उसकी भी कोई कंप्लेंट दी है? भाजपा की एक दलित महिला भाजपा के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगाती है, उसमें कोई जांच नहीं होती, उसका इस्तीफा मांगा नहीं जाता। गुजरात में 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, उसमें कोई जांच नहीं होती और मेरे खिलाफ एक ट्वीट करने पे FIR, और वो भी महिला को आगे करके। इतनी बुजदिली, इतनी कायरता, शर्म आनी चाहिए सरकार को। हमारे साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश जी, क्यों आपको लगता है कि सरकार ने आपको हुक किया, आपको फंसाया? सरकार का ये खुद का एक आरोप लगा, सरकार का ये कॉन्स्पिरेसी है। असम की जुडिशरी ने जिस ऑर्डर के तहत मुझे बेल दिया, जमानत मिली, उस ऑर्डर में असम की जुडिशरी ने कहा है कि जिग्नेश मेवानी को जानबूझकर लंबे अरसे के लिए जेल में डाले रखने के लिए ही इसके खिलाफ ये FIR हुआ है। ये FIR फर्जी है, फॉल्स है, फ्रिवलस है, मेंटेनेबल नहीं है। कौन कह रहा है? असम का न्यायतंत्र। तो सवाल ये हो रहा है कि सरकार को, असम की गवर्नमेंट को, असम की पुलिस को ये क्यों करना पड़ा? चूंकि मैंने मोदी साहब के खिलाफ ट्वीट किया था, चूंकि उनको मिर्ची लगी, वो सहन नहीं कर पाए, तो उन्हीं के कहने पर, उनकी ऑफिस के कहने के चलते ही असम की सरकार ने मेरे खिलाफ ये केस किया है। अडानी साहब के पॉट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया जाता है, उसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। आपने क्या उसकी भी कोई कंप्लेंट दी है? भाजपा की एक दलित महिला भाजपा के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगाती है, उसमें कोई जांच नहीं होती, उसका इस्तीफा मांगा नहीं जाता। गुजरात में 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, उसमें कोई जांच नहीं होती और मेरे खिलाफ एक ट्वीट करने पे FIR, और वो भी महिला को आगे करके। इतनी बुजदिली, इतनी कायरता, शर्म आनी चाहिए सरकार को। अच्छा जिग्नेश जी, कि आपको, आपने ये भी कहा है उस अपने ट्वीट में किसी के साथ, गौडसे के अनुयायी, इस पर आपत्ति है तो ऐसा ऐसा क्यों, मतलब गौडसे के अनुयायी आपने क्यों कहा? तो वो गौडसे के अनुयायी वो है, उनके सारे आइडियोलॉग्स रहे हुए, बीजेपी आरएसएस गौडसे में मानता है, गौडसे की पूजा करता है और गौडसे जिंदाबाद ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाता है। और मोदी साहब यदि गौडसे में नहीं मानता और यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो लाल किले की प्राचीर से एक बार गौडसे मुर्दाबाद कह दे, या आज उनके सारे प्रवक्ताओं को इंस्ट्रक्शन दे दे कि आज इस देश में जिस मुद्दे पर भाजपा का प्रवक्ता न्यूज चैनल्स की डिबेट में जाए वहाँ एक बार गौडसे मुर्दाबाद बोले देगा। कर दीजिए नेत्रा, मैंने तो अपील किया था शांति और पीस का, गुजरात में जब दंगा हो रहा है, आप गुजरात आ रहे हो, वो तो वही कह रहे हैं कि शांति और गुजरात आ रहे हो, गुजरात के बेटे हो, गुजरात में अशांति है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जनता को कहे कि शांति और अमन बनाए रखे? मैंने तो यही कहा है ना, और तो कुछ नहीं कहा। तो आप भी एक विधायक हैं सर, तो शांति व्यवस्था की अपील कर रहे हैं आप, गौडसे की बात करते थे, इससे ऐसा नहीं लगता कि मामला भड़क सकता है, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई की गई?
कैसे शांति और अमन की बात करने से मामला भड़केगा या मामला शांत होगा? नहीं, गोडसे वाली बात लिखने से। तो वो तो प्रधानमंत्री गोडसे के भक्त, मैं आपको बोल दूं कि आप एक्स के भक्त हैं, तो क्या उसमें क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा आपको बुरा लगेगा, तो उसमें एफ आई आर कहाँ होता है? अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप क्या आप इसे पॉलिटिकली उतरेंगे? हम कॉल दिया है किस मुद्दे को लेकर के? 1 जून को गुजरात बंद का ऐलान, किस मुद्दे को लेकर? मेरे ऊपर जो एफ आई आर हुआ ना, वो नहीं, ऊना के वक्त जो लोगों के ऊपर फर्जी एफ आई आर किए हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वड़गाम के मुस्लिम समाज के साथी के ऊपर जो फर्जी एफ आई आर किया, वो सारा केस वापस लो। ये 22 एग्जाम का पेपर जो लीक हुआ, एक एस आई टी के तहत उसकी जांच हो। ये अदानी के पोर्ट पे इतना ड्रग्स आ रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो। यदि ये नहीं हुआ तो 1 जून को सड़क पर उतरेंगे। अच्छा सर, ये एक आखिरी सवाल कि जब भी किसी पॉलिटिकल आदमी पे एफ आई आर होती है तो वो कहता है कि वो उसे फंसाया गया, जैसे कि मैं नहीं कह रहा, नहीं नहीं, जैसे कि आपके ऊपर नवनीत राणा के ऊपर हुआ तो फिर वो बीजेपी वाले ऐसा कहते हैं। एक सवाल, क्या बेल मिलने से, न्याय तंत्र कह रहा है, बेल मिलने से ये समझा जाए कि आप बरी हो गए? बेल मिलने से बरी हो गए की बात नहीं है, असम की जुडिशरी का जो ऑब्जर्वेशन है।